शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, बैरून मुल्क मौजूद दोस्तों की खुसूसी फरमाइश पर आज का ये प्रोग्राम बैनवान महफिल शाह असर पेश खिदमत है। आज की इस महफिल को जिक्र सरकार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खुशबुओं से मुअत्तर करने के लिए हमने दावत दी हमारे चंद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बेहतरीन लब व लहजे के मालिक, खूबसूरत आवाज़ के मालिक और बेहतरीन मुनक़बत खान जनाब अली परवेज़ शिकरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, हमने ज़हमत दी है एक और दिलनशीन आवाज़ के मालिक, बेहतरीन आवाज़ के मालिक, बेहतरीन मुनक़बत खान व कसीदा खान जनाब मेहदी हसन शिकरी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानान गिरामी की तरफ बढ़ूं, सिर्फ चार मिसरे पेश करता हूं कि मदह मौला में इबादत का मजा आता है, मदह मौला में इबादत का मजा आता है, अरे शेर पढ़ता हूं तिलावत का मजा आता है, शेर पढ़ता हूं तिलावत का मजा आता है, मदह मौला में इबादत का मजा आता है, शेर पढ़ता हूं तिलावत का मजा आता है, और हम तेरी याद में जागे तो तहज्जुद का सवाब, हम तेरी याद में जागे तो तहज्जुद का सवाब, सो रहे तो शब हिजरत का मजा आता है, सो रहे तो शब हिजरत का मजा आता है। आइए नाजरीन, इन्हीं चार मिसरों के साए में मैं दावत गुजार हूँ खूबसूरत आवाज के मालिक बेहतरीन मुनक़बत खान जनाब अली परवेज शिकरी साहब की खिदमत में आप जिक्र सरकार इमाम ज़माना की खुशबुओं से आज के इस महफिल को मुअत्तर फरमाएं। अबू तुराब कायम मकाम जिंदा है, अबू तुराब कायम मकाम माशाल्लाह जजाकल्ला। ये थे जनाब अली परवेज शिकरी साहब,
बेहतरीन अंदाज में मनकबत खानी फरमा रहे थे। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। इससे पहले कि मैं अपने हमारे इस महफिल के दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ूँ, चार मिसरे इनके इस्तकबाल में, इमाम जमाना की शान में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सहर करीब है अंधेरों को दूर होना है, सहर करीब है अंधेरों को दूर होना है, जलील दुश्मन दी को जरूर होना है, जलील दुश्मन दी को जरूर होना है। बता रही है ये तब्दीलियां जमाने की, बता रही है ये तब्दीलियां जमाने की, किसी वली का यकीनन जहूर होना है, किसी वली का यकीनन जहूर होना है। इन्हीं चार मिसरों के साय में मैं दावत गुजार हूँ जनाब मेहदी हसन शिगरी साहब की खिदमत में। बेहतरीन मुनकबत खान हैं, खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। आप जिक्र सरकार इमाम जमाना की खुशबुओं से आज की इस महफिल को मुअत्तर फरमाएं जनाब मेहदी हसन शिगरी साहब। माशाल्लाह जजाकल्ला। ये थे जनाब मेहदी हसन शिगरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बेहतरीन अंदाज में मनकबत खानी फरमा रहे थे, खानी फरमा रहे थे। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तितामी मराहिल तक लेके जाते हुए ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आज के इस पाक जिक्र के सदक़े में कोरोना वायरस जैसे दीगर तमाम बीमारियों और वबाओं से हम सबको और तमाम आलम इंसानियत को अल्लाह ताला महफूज रखें और खसूसी तौर पर परदेसी भाइयों की मुश्किलात को दूर फरमाएं। तो आखिर में मैं हमारे दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप दोनों अपने मखसूस अंदाज में दोनों मिलकर मौला इमाम ज़माना की हुजूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। याद बे